एक लड़की जो कि एक सीमेंट का बोरा उठाए धूप में काम कर रही थी, तभी उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है और लोग उसे देखकर चीखने लगते हैं। लोगों का शोर सुनकर वहाँ छेलू आता है और उस लड़की को उठाकर वहाँ से एक ठंडी जगह पर ले जाकर उसके चेहरे पर पानी फेरता है। चेहरे पर पानी जाते ही लड़की की आंखें खुलती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बहन, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? आखिर क्या बात है? क्या करूं भैया, मैं यहाँ जी जान लगाकर काम करने की सोच रही हूँ, लेकिन लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। मैं तो हिम्मत ही हारती जा रही हूँ। पर बहन, हुआ क्या? मेरे पति की हालत बहुत खराब है भैया, और तो और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे भी चाहिए। पर आपके पति को हुआ क्या है? बताती हूँ। वो कहते हैं ना, परिवार में जितने लोग होते हैं उतना ही खर्चा होता है, पर क्या हो जब परिवार बड़ा हो और काम कम हो। चलिए देखते हैं। इंदौर की रहने वाली सुमन अपनी तीन बहुएं रानी, मेघा और छाया और तीन बेटों के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी बहुओं के साथ चाय पी रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आ गया अब? माँ जी, मैं देखती हूँ। देवर जी, माँ जी, मेघा जल्दी आओ। माँ जी, रानी की आवाज़ सुनकर अब सुमन और उसकी दोनों बहुएं दरवाजे पर जाती हैं, जहाँ वो करण को इस हाल में देखकर हैरान हो जाती हैं। करण जी, मेघा अब जल्दी से करण को थाम लेती है और अपने सहारे से उसे अंदर ले जाती है। करण जी, ये आपको क्या हो गया? करण अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये देखकर सुमन घबरा जाती है। छाया बहू, तू जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर, और मेघा बहू तू रोना बंद कर, रानी बहू तू जल्दी से पट्टी और डेटॉल लेकर आ। जी माँ जी। छाया एम्बुलेंस को फोन करती है तो वही रानी पट्टी और डेटॉल लेकर आती है। सुमन अपने बेटे के पास बैठी होती है कि तभी वहाँ एम्बुलेंस आती है। वो सब करण को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वही रानी अपने पति विनय को फोन करती है और उसे हॉस्पिटल आने को कहती है। विनय जी, देवर जी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए अगर हो सके तो आप यहाँ जल्दी से आ जाओ। क्या? मैं अभी आता हूँ। रानी फोन रख सभी के पास जाती है, तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और सभी से बोलते हैं। करण जी के साथ कौन है? हम है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति को? वो ठीक तो है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनके सर पे गहरी चोट लगी है, इसलिए उनसे ज्यादा पूछताछ मत करना। हो सकता है अगर वो अपने दिमाग पर जोर डाले तो शायद कोमा में भी चले जाए। और हाँ, आप हॉस्पिटल की फीस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर दीजिए, अच्छा होगा। डॉक्टर अपनी बात कर वहाँ से चला तो जाता है, पर सभी को एक तरह से टेंशन हो जाती है। तभी हॉस्पिटल में विनय आता है। जब उसको सब पता चलता है तो वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है। मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। क्या? हाँ, मेरी नौकरी चली गई। मेरे ऑफिस में किसी से बहस हो गई थी, जिस कारण। ये क्या हो रहा है? आखिर मेरे घर में किसकी नजर लग गई? जेठ जी, अगर आपकी नौकरी चली भी गई तो कोई बात नहीं, मैं अब खुद नौकरी करूंगी और अपनी मेहनत से इस घर को संभालने के साथ साथ अपने पति का इलाज भी करवाऊंगी। दीदी, आप अकेली नहीं बल्कि मैं भी आपकी मदद करूंगी। हमारे घर में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम सब साथ में उसका सामना करेंगे। छाया की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। तुम सही कह रहे हो मेघा, मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। मेघा और छाया काम की तलाश में बाहर चली जाती हैं। छाया को एक घर में काम मिलता तो है, वहीं दूसरी तरफ मेघा को मजदूरी का काम मिलता है। सुमन की दोनों बहुएं अब अपने अपने काम पर जाने लगती हैं, तो वहीं रानी घर पर रहकर अपनी सास और देवर का ख्याल रखती है। समय गुजरता है, समय के साथ विनय को भी शहर से बाहर नौकरी मिल जाती है। इस तरह हम लोग बाहर काम करने के लिए निकल गए। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हें अच्छी जगह पे काम लगवाता हूँ। छाया अपनी मालकिन के घर काम कर रही थी, तभी उसकी मालकिन उसके पास आती है और उसको इस तरह मेहनत लगन से काम करता देखकर उससे बोलती है। छाया, वैसे तुम काम बहुत ही लगन के साथ करती हो, पर मुझे एक बात बताओ, जब तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम इस तरह लोगों के घर में काम क्यों कर रही हो? मैम, जब इंसान के घर में मजबूरी दस्तक देती है ना, तो उसको वो काम भी करना पड़ता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। और फिर मेरा काम तो लोगों के घर में काम करना और उनके घर की देखभाल करना है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुझे एक काम और देना चाहती हूँ, बता तू कर लेगी? हाँ मालकिन, मैं सब काम कर लूँगी, बस आप मुझे बता दीजिए। घर के काम खत्म करने के बाद तुम मेरे बच्चों को ट्यूशन दे देना,
इसके बदले मैं तुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया करूंगी। अपनी मालकिन की बात सुनकर छाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने कामों पर लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रानी बड़ी ही मेहनत के साथ खाना बना रही होती है कि तभी उसके पास कुछ औरतें आती हैं। रानी बहू, मैंने सुना है तू सिलाई करती है। हाँ आंटी जी, मैं सिलाई तो करती हूँ, लेकिन अभी मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ घर में। हाँ हम जानते हैं बेटा, तभी तो हम तेरे पास आए हैं। हम जानते हैं जैसी सुमन है किसी से मदद ना लेने वाली, वैसे ही तुम तीनों हो। तुम हमसे मदद नहीं लोगी, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को मना तो नहीं करोगी ना तुम। इसलिए हमारी बात मानो, हम लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दो। वैसे आंटी बोल सही रही हैं, मेरी दोनों देवरानी घर के बाहर काम करने जाती हैं। वो इतनी मेहनत करती हैं, क्यों ना मैं भी घर में रहकर उनकी मदद कर लूं। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं, आप इन कपड़ों को यहीं रख दो, मैं इन्हें सिल दूंगी। मेघा खाना खा ही रही थी कि तभी वहाँ छेलू और कुछ औरतें आती हैं। क्या लाई हो बहन? कड़ी चावल लेकर आई हूँ आज, लीजिए ना, आप भी खाइए। मेघा की बात सुनकर अब सभी लोग उसके कड़ी चावल खाते हैं। सच में मेघा बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। तुम्हारे हाथ की करी चावल बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहता हूँ तुम अपना बिजनेस चालू कर लो। मेरा मतलब है कि तुम्हारे हाथों में वो स्वाद है जो सब आएंगे तुम्हारे पास खाने के लिए। तुम रास्ते में लोगों को खाना खिलाओगी तो वो खाएंगे और तुम पैसा भी कमा सकती हो। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इन सब में पैसे बर्बाद कर सकूं। अगर मेरा काम नहीं चला तो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अरे हम नहीं कह रहे कि तुम एक बार में इतना सारा खाना बनाओ। अरे हम तो कह रहे हैं कि बस एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता तुम्हारा काम चल जाए। उन सब की बातें सुनकर मेघा को हौसला मिलता है और शाम को जब तीनों बहुएं आती हैं तो वो आज की बात आपस में बताती हैं। अपनी बहुओं की इस मेहनत को देखकर सुमन की आंखें भर आती है और वो अपनी तीनों बहुओं को गले लगाकर बोलती है। मैं जानती हूँ मेरी तीन गरीब बहुओं की मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। हाँ माँ जी, हम जरूर कामयाब होंगे और जेठ जी भी ठीक हो जाएंगे। दीदी चलिए, मैं कड़ी चावल बनाने में आपकी मदद करती हूँ। मैं भी करती हूँ। नहीं दीदी, आप सिलाई कीजिए, ये सब हम देख लेंगे। इस तरह मेघा और छाया कड़ी चावल बनाती हैं और रानी अपनी सिलाई का काम करती है। तो वहीं सुमन खाना खाकर अपने बेटों के पास चली जाती है। अगले दिन रानी सभी के कपड़े सिलकर उन्हें दे देती है। तो वहीं छाया भी अपना काम कर बच्चों को पढ़ाती है और मेघा अपनी मजदूरी करने के साथ कड़ी चावल भी बेचती है। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ मेघा का काम काफी अच्छे से चलता है और इस तरह वो अपनी एक छोटी सी दुकान खोलती है, जिसके बाद वो अपने पति का इलाज भी अच्छे से कराती है। समय के साथ अब उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक हो जाती है और सुमन की तीन गरीब बहुओं की मेहनत आखिरकार रंग ले ही आती है।